नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 25 मार्च की सुबह 9 बजे से या दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में तीन ऐसे अनोखे बदलाव होने वाले हैं, तीन ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, परंतु आपको बता दें कि इन्हें जानकर आपके होश तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों आपका मन अंदर ही अंदर काफी प्रफुल्लित रहेगा। यूं कहें तो आप यश में खुशी से पागल होने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही कुछ ही स्थिति आपके जीवन काल पर होने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यश में से आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं, क्योंकि यश में शुक्रवार का दिन होने से माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाले हैं। जी दोस्तों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर के माहौल में सभी प्रकार की आर्थिक तंगियां खत्म होंगी, धन से जुड़ी सभी समस्याओं का भी अंत होने वाले हैं और आपको चारों तरफ से चौतरफा धन प्राप्त होने वाले हैं। जी दोस्तों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में यश में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होंगे और कुछ ऐसे ही बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिनसे आपका जीवन बदल जाएगा। जी दोस्तों, दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय मां लक्ष्मी लिखेगा, गुरु जी कर मां लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष समय रुचि रहेगी तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी फिजूल खर्ची पर आपको यश में अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यश में हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यश में आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है, यश में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होंगे, जो ग्रह स्थिति होंगे, यश में बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होगी। दोस्तों यश में बता दें कि आपकी योग्यता और फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यश में मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश में हासिल करने वाले हैं दोस्तों, परंतु आलस व फिर ज्यादा मौज मस्ती के समय को यश में व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों यश में आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा, तो दोस्तों यश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों अगर किसी वाहन या फिर संपत्ति की खरीदने की ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यश में योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अधिक वक्त यश में लग सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की वजह से भी कुछ कामों में देरी हो सकती है। जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आसान होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें
कि दोस्तों यीशु में इमोशनल होने के बजाय चतुराई व फिर विवेक से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों विवेक से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने से आपका मन यीशु में प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बंटवारे संबंधी कोई भी कार्य यीशु में मदद से हल हो सकती है। दोस्तों यीशु में आपको प्रयास करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवारा ना हो। तो दोस्तों इसको उपरांत यीशु में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि रुपये पैसे के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें। आपकी कोई योजना यीशु में गलत हो सकती है, इसलिए दोस्तों यीशु में उस पर जो है पुनर्विचार आपको करना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए यीशु में आपके स्वास्थ्य और आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों यीशु में आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इसको बना दोस्तों यीशु में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव होगा। दोस्तों अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि समस्या का समाधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मदद लेना यीशु में आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थिति का हल ढूंढने की आप कोशिश करें और यीशु में आप अच्छी हल भी ढूंढ पाएंगे। और इसके प्रणाम दोस्तों यीशु में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपका संतुलित व्यवहार शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाकर रखेगा। तो अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। राजकीय मामलों में भी केस संबंधी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। साथ ही दोस्तों दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप जो है इसमें अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। किसी भी कार्य में व्यर्थ ही पैसा खर्च ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आप संबंधित सभी बातों में संतुलन बनाए रखने की आपकी जो कोशिश होंगी इसमें सफल होंगी। फिर भी दोस्तों विचारों में सकारात्मकता और आपको फोकस बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन दोस्तों सरल भी नहीं है। ये इतना आसान भी नहीं है। समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने की आपको इसमें कोशिश करते रहना चाहिए, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों यशमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशमें जनसंपर्कों का दायरा अधिक विस्तृत होगा, परंतु अभी भी व्यापारिक गतिविधियों का गंभीरता व फिर बारीकी से मूल्यांकन करना आपके लिए इसमें जरूरी होगा। दोस्तों सीनियर्स लोगों के साथ संबंध खराब न करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाभ की उतनी उम्मीद ना रखें जितनी आप रख रहे हैं। दोस्तों यश में आपके लिए बेहतर होंगे कि आप कार्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में स्थितियाँ यश में बेहतर भी रहेंगी। कुछ हल्की फुल्की परेशानियाँ तो आएंगी, पर दोस्तों समय रहते उनका हल भी निकलेगा। नई प्रॉपर्टी और नए लोगों से व्यवहार करते समय आपको इसमें सचेत रहना चाहिए। दोस्तों शादी कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी इसमें आपको नजर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें। ये संबंध आपकी तरक्की फायदेमंद साबित कराने वाले हैं। दोस्तों मशीनरी स्टाफ आदि से जुड़े छोटी मोटी परेशानियां उठ सकती है, उन पर काम करना परेशानियों से निकाल देगा। तो दोस्तों यश में जरूर उन पर काम करें। और इसको बना दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि व्यापार व फिर काम काज को लेकर कोई नई दिक्कत यात्रा आपके उत्तम भविष्य का रास्ता खोल देगी, इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखें। नौकरी में बॉस व फिर अधिकारी आपके काम से संतुष्ट भी रहेंगे, साथ ही पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं, इसलिए दोस्तों यश में चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में घर में सुख शांति भरा माहौल भी रहेगा। जीवन साथी के साथ अपनी हर योजना शेयर करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। उनकी सलाह आपके लिए इसमें लाभदायक साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर तकरार भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु दोस्तों आपकी जब भी सूझबूझ रहेगी तो इसके द्वारा आप सभी परिस्थितियों में विजय भी हासिल करेंगे, इसलिए दोस्तों इसमें आप अपने वाणी पर संयम रखें और किसी भी बात को कठोरता से ना बोलें। प्रेम संबंधों में भी आप इसमें समय व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन सुख शांति के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, इन्हें अपने काम पर हावी न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें शारीरिक कमजोरी और फिर जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। तो दोस्तों इन पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें कुछ सुस्ती और आलस भी आपके ऊपर हावी रहेगी। इसमें आपको वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, चोट आदि लगने की संभावना भी इसमें बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें बुरी आदतों तथा बुरी संगत से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी टेंशन भी आपको इसमें रहने वाली है।